हेलो माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम सब जाएंगे रोली के स्कूल में। हाँ फ्रेंड्स, आज मेरी बेटी रोली के स्कूल में एनुअल डे फंक्शन है, तो इसलिए हम सब रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। तो चलिए आज का ये ब्लॉग एंजॉय करिए। हाँ तो फ्रेंड्स, आज मैं लंच में बना रही हूँ चिकन करी और वेज बिरयानी। ये सब रोली के पसंद के लिए है, उसे बहुत ही पसंद है। हम लोग लंच करके ही जाएंगे, क्योंकि 3:30 बजे शुरू होगा उनका फंक्शन। ये बिल्कुल सिंपल सा मैंने चिकन करी बनाया है, और आज बिजली भी चली गई थी इसलिए मसाला मैंने पीसा नहीं है। बस कूट के ही प्याज और लहसुन और हरी मिर्च को कूट के ही करी रेडी किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिरयानी मैंने बना लिया है। बहुत ही सिंपल सा बिरयानी बनाया है। इसमें बस गाजर और प्याज, कुछ धनिया पत्ता ऐसा ही डाला है, और इसमें वेज बिरयानी बनाया है, क्योंकि घर में बाकी सब लोग भी वेज बिरयानी खाएंगे, चिकन बिरयानी कोई नहीं खाता है। बस रोली ही खाती है चिकन बिरयानी, इसलिए उसके लिए अलग ही चिकन बनाया है मैंने। तो फ्रेंड्स, मेरे रसोई अब ख़त्म हो गया है, खाना पक चुका है। हम लोग अभी लंच करेंगे और लंच के बाद रोली को रेडी करेंगे उसके फंक्शन के लिए। उसको साड़ी पहनाना होगा, मैंने उसकी आंटी को बुलाया है, वो उसको साड़ी पहना देंगी और उसका मेकअप भी कर देंगी वो। उसकी आंटी रोली से बहुत ही प्यार करती है। ये देखिए बिरयानी हो चुका है, हम लोग अभी लंच कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी हमारे साथ लंच एंजॉय करिए। और हाँ फ्रेंड्स, ये है रायता, या फिर क्या कहते हैं आप लोग, कचुम्बर या कचुम्बर, मतलब आपको जो भी समझ में आए वो ही। और ये देखिए लंच हो गया हमारा, रोली रेडी हो रही है। रोली को उसकी आंटी रेडी कर रही है, उसका मेकअप हो रहा है। हाँ, उसका एक डांस परफॉर्मेंस है, वो साड़ी पहन कर डांस करेगी। ये देखिए उसका लुक कैसा लग रहा है। अभी हम लोग निकल रहे हैं, जहाँ पर फंक्शन होगा वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। बहुत ही खुश है रोली, साड़ी पहनी है और मेकअप बहुत ही क्या है, इसलिए मेहंदी भी लगाया है, इसलिए बहुत खुश है। छोटे बच्चे हैं ना, वो तो मेकअप और ऐसे तैयार होंगे तो बहुत खुशी होगी। ये है रोली के कुछ फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पर उनका फंक्शन हो रहा है। सही स्मृति भवन में उनका फंक्शन हो रहा था, वहीं पर हम लोग पहुँच गए। कुछ फोटो खींचा है मैंने रोली का। हमने जो घर पर साड़ी पहनाया था ऐसे नहीं होगा, उन रोली के मिस ने कहा कि उसे जो झांसी रानी वाला साड़ी है वो ही पहनाना होगा। ऐसे फिर से हमने साड़ी को खोलकर फिर से उसे रेडी किया। ये है रोली का डांस परफॉर्मेंस, देखिए आप लोग। ये देखिए फ्रेंड्स, रोली महाभारत के सॉन्ग पर डांस कर रही है। सॉन्ग यहाँ पर मैंने म्यूट कर दिया है, क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा, इसलिए सॉन्ग म्यूटेड है। रोली के स्कूल के मिस ने ही ये डांस सिखाया है, बहुत ही अच्छा सिखाया है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चियाँ कैसे डांस कर रही है। आप भी डांस को इन्जॉय करिए, और आपको ये डांस कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी रोली का डांस प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, खड़े होकर पैर दुख गए हैं, इसलिए हम लोग अभी चले जाएंगे। और रात भी हो चुका है, अभी 8 बज चुके हैं।
लेकिन फ्रेंड्स खड़े होकर हमारा पैर दुख गया। यहाँ पर बैठने के लिए एक भी जगह नहीं था, सारे सीट ऑडियंस से भरा हुआ था। इसलिए जितनी देर तक उनका फंक्शन चल रहा था हम लोग खड़े हुए थे, पैर दुख गया है। लेकिन क्या करें, अपने बच्चों के लिए तो ये सब करना ही पड़ता है। आपको रोली का ये लुक कैसा लगा, उसका मेकअप कैसा लगा, जरूर कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।